सोलन में कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के टिकट पर स्थानीय युवा अजय भट्टी ने अपने समर्थकों के साथ अपना चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। अजय भट्टी 26 वर्षीय नौजवान होने के साथ ही सोलन की परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में उनका मानना है कि सोलन विधानसभा क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए वे सबसे बेहतर विकल्प हैं। उनका कहना है कि देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां युवाओं को आगे आने का मौका नहीं दे रही हैं, जिस कारण हर रोज विकास के नाम पर केवल आश्वासन जनता को मिल रहे हैं। भट्टी ने कहा कि सोलन में टिकटों के आवंटन में ससुर दामाद की राजनीति के बीच जनता पिस रही है। उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के निर्णय के पीछे ससुर दामाद की राजनीति को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि राजेश कश्यप अगर जनता की सेवा करना चाहते तो वे अपने चिकित्सक के पद पर रहकर शायद ज्यादा बेहतर सेवा कर सकते थे। उन्हें राजनीति में कूदने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें राजनीति का अनुभव तक नहीं है। हम उस चीज के विरोधी नहीं है कि अगर कोई घर के अंदर कोई काबिल इंसान है तो हम मानते हैं कि उनको मौका देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के अंदर आज पूरे, ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। सोलन के अंदर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब है जिनको लेके आया गया है सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, आज जैसे हम बताए हैं पहले भी कि हिमाचल के अंदर और सोलन के अंदर जो अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जो समाज सेवा करने के लिए डॉक्टर साहब आए हैं, तो हमारा मानना यह, अगर समाज सेवा का ही आपका सवाल है तो आप हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बनकर भी समाज सेवा को कर सकते थे और उसका ज्यादा असर पड़ता। इस तरह से जो परंपरा, जो वंशवाद चला है, तो इसको खत्म किया जाना चाहिए और इसको लड़ रहे हैं हम लोग भी सोलन के अंदर चुनाव, और अपील करते हैं इस बार वामपंथ को मौका दिया जाए।